नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। महाकाल विस्तार योजना के तहत आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पर्याप्त बल की उपस्थिति में लगभग 11 मकान प्रशासन ने जो अधिग्रहित किया था उन पर से अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही से तोड़े जा रहे हैं मकान, उन पीड़ित को प्रशासन ने मुआवजा भी दिया है। जिला प्रशासन से SDM संतोष कुमार टैगोर, पुलिस प्रशासन से सिटी एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह, SDM संजीव साहू, तहसीलदार एवं महाकाल सहायक प्रशासक पूर्णिमा सेंगे, तहसीलदार अभिषेक शर्मा, DSP अरविंद सिंह तोमर, CSP हेमलता, DSP अरविंद सिंह तोमर, CSP हेमलता अग्रवाल, पल्लवी शुक्ला, महिला थाना प्रभारी रेखा वर्मा, थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम, जितेंद्र भास्कर, विक्रम सिंह चौहान, OP अहिर, रोहित पटेल, प्रवीण पाठक, पवन कुमार, गजेंद्र पचौरिया सहित कई थानों का बल अतिक्रमण हटाने में उपस्थित था। महाकाल प्रोजेक्ट के तहत अतिक्रमण हटाया गया है, किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है? उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर का जो विस्तारीकरण है उसको लेकर के आज जो 11 मकान अधिकृत किए गए उसी के तहत नगर निगम और रेवेन्यू के साथ में पुलिस की जो पूरी टीम है वो लगी हुई है और ये जो रिमूवल की कार्रवाई है और अधिग्रहण की कार्रवाई वो की जा रही है। योजना के तहत कार्य चल रहा है और अतिक्रमण की मुहिम चल रही है, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि महाकाल विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत हमने भवन अधिग्रहित किए हैं। अधिकृत भवनों का मुआवजा जो शासन के नियम निर्देश है उनके अनुक्रम में मकान मालिकों को दिया गया है और जो भवन शासन ने अधिग्रहित किए हैं उन मकानों को हटाने की कार्रवाई हम लोग अभी संपादित कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल 11 मकान हैं, उसमें से एक पर ऑनरेबल हाईकोर्ट का स्टे है, ऐसे भी जानकारी में आया है। शेष 10 मकानों को मकान मालिकों से कल रात में भी हमारी बात हो गई थी, आज भी हम लोग सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, तो जितनी चीज़ें हैं उनको उसी नियम के अनुसार हम लोग हटाने की कार्रवाई संपादित कर रहे हैं।